पांच नजर चुराने लगे, एक नजर हमने देखा तो क्या। आज पहली बार एहसास हुआ इस कोरोना काल का, कह सकते हैं लॉकडाउन का भी। आज सैटरडे एंड संडे दो दिन यूपी में फुल्ली लॉकडाउन होता है, कोई दुकानें नहीं खुलती, ना खाने पीने से लेकर हर चीज़ बंद रहती है। सुबह से मैं फ्रूट्स एंड केक। क्या करें जब अकेला जीवन है, कोई नहीं, हर कोई अकेला है यहाँ पे। तो इस जमाने को क्या हो गया, यही है सब जीवन, क्या है साला माता चर माटी का खिलौना है। दिन चाहा वही बेवफा हो गया, दोस्त तो इस जमाने को क्या हो गया। गैरों से नजर चुराने लगे, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। सो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि एंड वन मोर घूमो इंडिया एंड नेशनल फ्लैग दिख नहीं रहा है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, एंड घुमाओ इंडिया। और आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है 0229 लखनऊ मेल। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। और नॉर्मल थर्मल स्कैनिंग होती है, स्वेटिंग हो रहा है थोड़ा, नॉर्मल थर्मल स्कैनिंग होगी और आप स्टेशन के अंदर इंटर कर जाएंगे। देखिए लगी हुई सामने लखनऊ मेल। मैं आ चुका अपनी कोच के पास, B3। सीटेड 26। लखनऊ मेल का फर्स्ट AC, एकदम नीट एंड क्लीन, चाहे फर्स्ट AC हो, सेकेंड AC हो, थर्ड AC हो। ये है कूप, आप जानते हैं कूप में दो सीट रहती है, एक ऊपर, एक अपर बर्थ, एक लोअर बर्थ। और स्टेयर्स रहता है चढ़ने के लिए, यहाँ पे पावर प्लग दिया हुआ है, लुकिंग ग्लास। फर्स्ट AC का मजा ही कुछ और है यार। ट्रेन भाई फाइनली लखनऊ जंक्शन से रवाना हो चुकी है, तो चलिए मैं फटाफट इस ट्रेन की जानकारी देता हूँ। इसी ट्रेन नंबर 0229 लखनऊ मेल कोविड स्पेशल ट्रेन, जो लखनऊ जंक्शन से 10:00 रात में खुलती है और ठीक नई दिल्ली अगले दिन सुबह 6:50 यानी कि 7:00 सुबह रहेंगे नई दिल्ली। 491 किलोमीटर 491 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 8:50 में। और ये ट्रेन रोज़ाना चलती है, रन्स एवरी डे। स्टेशन की बात करें तो सेकंड सीटिंग के दो कोच रहती हैं स्लीपर के साथ, थर्ड AC के 5, सेकंड AC के 3, फर्स्ट AC का 1। फेयर की बात करें तो सेकंड सीटिंग का फेयर 190 रुपया, स्लीपर का है 325, थर्ड AC का 835, सेकेंड AC का 1590 और फर्स्ट AC का है 1960। पेंट्री कार नहीं है, आप समझ सकते हैं पेंट्री कार नहीं होगा क्योंकि ओवरनाइट की जर्नी है, रात के 10:00 खुलती है, सुबह आप रहेंगे नई दिल्ली तो। और रात का समय है, आप समझ सकते हैं रात में दिखाने लायक कुछ रहता नहीं है। मिलेंगे हरदोई। गोपाल परस वगैरह कोई भी कीमती सामान है भाई, पास रख के छोड़ा। RPF के जवान अनाउंस कर रहे हैं कि आप अपने कीमती सामान मोबाइल अपने साथ रख के सोना,
क्योंकि अपने सामान की जिम्मेवारी आपकी होगी। देख सकते हैं जैसा नॉर्मली हर रेलवे स्टेशन पे आप प्लेटफॉर्म देखते होंगे वैसा ही सन्नाटापन, और रात का समय तो रात में तो ऐसे ही सन्नाटापन रहता है, बट अभी कुछ ज़्यादा ही सन्नाटापन है। और ट्रेन लखनऊ से खुलने के बाद 102 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच चुकी है हरदोई स्टेशन कोड HRI। मुरादाबाद रेलवे डिवीज़न में आता है, ऑपरेट करती है NR नॉर्दर्न रेलवे। पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 81 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना कोई ट्रेन टर्मिनेट हरदोई से। सोचा था हापुड़ जंक्शन को कवर करेंगे जो 5 बजे सुबह आता है, बट नींद ही नहीं टूटा। और अभी जब नींद टूट रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है गाजियाबाद। चलिए कोई नहीं, फिर कभी हापुड़ जंक्शन को कवर करेंगे और हम लोग देखेंगे लखनऊ मेल का गाजियाबाद से डिपार्चर। 6:01 पर टाइमिंग था यहाँ पर गाजियाबाद, ट्रेन बिफोर है और 6:03 पर डिपार्चर है। गुड मॉर्निंग, पानी की बोतल सादा सादा चाय दे दीजिए। तो मैं चाय पी लिया जाए और मेरी नींद टूटी नहीं यार, नहीं तो मैं हापुड़ जंक्शन आपको जरूर कवर करके दिखाता। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सहरसा से नई दिल्ली के बीच में चलती है, एक मिनट बगल में आप देख रहे हैं वैशाली एक्सप्रेस। अभी वैशाली निकल चुकी है नई दिल्ली के लिए, ये प्रयागराज एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसकी मैंने जर्नी की थी कोरोना काल के पहले, प्रयागराज एक्सप्रेस की ये भी नई दिल्ली जाएगी। और देखिए वैशाली देखिए आगे निकल चुकी है और हमारी भी लखनऊ मेल नई दिल्ली जाएगी। इन ट्रेनों का संगम हुआ गाजियाबाद में, लखनऊ मेल, वैशाली एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस। गाजियाबाद जंक्शन स्टेशन कोड GZB, यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, 241 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है, 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 3 टर्मिनेट गाजियाबाद जंक्शन से। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं और दुधेश्वरनाथ मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, हिंदन एयरबेस यहाँ के कह सकते हैं मेजर अट्रैक्शन है गाजियाबाद का। ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है गाजियाबाद से, छः बज के 5 मिनट पर रवाना हुई है, यानी 2 मिनट लेट रवाना हुई है। मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस, वो भी नई दिल्ली जाने के लिए अभी जस्ट गाजियाबाद आई है। हो सकता है हम लोग को एक छोटा सा रेस देखने को मिलेगा नई दिल्ली के बीच में। स्वर्ण मंदिर सॉरी एक्सप्रेस नहीं, स्वर्ण मंदिर मेल है, गोल्डन टेंपल मेल, जो अमृतसर से मुंबई के बीच में चलती है। मॉर्निंग एंड बाय बाय गाजियाबाद जंक्शन। और गोल्डन टेंपल का लोकोमोटिव देख लीजिए और सामने में आप देख रहे होंगे प्रयागराज एक्सप्रेस। यार ये ट्रेन बहुत लंबी है भाई, प्रयागराज एक्सप्रेस की लंबाई देख लो,
और ये चलती है प्रयागराज कानपुर के वेब 7 लोकोमोटिव के साथ। ट्रेन हमारी स्किप कर रही है साहिबाबाद। और मेरे सामने लगी हुई है 02451 कानपुर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन। छः बज के 50 मिनट का टाइम था नई दिल्ली पहुंचने का, देख लिए 6:44 पे ट्रेन इंटर कर चुकी है नई दिल्ली। बाकी प्लेटफॉर्म का सन्नाटापन देखिए। स्टेशन पे पैसेंजर से ज़्यादा मुझे कुली दिख रहे हैं।
ये हाल है कोरोना काल में, बताओ यार। केवल लाल रंग के वर्दीधारी दिख रहे हैं, बस चुके हैं। और ये लखनऊ से साथ में आ रहे, और चलिए बहुत अच्छा रहा आपके साथ सफर। थैंक यू थैंक यू। ट्रेन बहुत अच्छी है, पंचुअलिटी तो आपने देख लिया, 10 मिनट बिफोर आई है। और साफ सफाई की बात करें, नीट एंड क्लीन था। थर्ड एसी, मैंने उसका फर्स्ट एसी भी देखा, बहुत साफ़ सुथरा था। और पेंटी का तो है नहीं, तो खाने पीने का तो रिव्यू बनता ही नहीं है। और ट्रेन हमारी आई थी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं। बार निकला हूँ पहाड़गंज के तरफ से, नहीं अजमेरी गेट के तरफ से। और अजमेरी गेट के बाहर का नज़ारा देखिए, स्टेशन के बाहर तो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है, पहले वाली भीड़ अब दिखने लगी है। होप आपने ये छोटी सी जर्नी लखनऊ से नई दिल्ली की लखनऊ मेल में एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी जैसा मैंने बताया कि 14 दिन का ट्रिप है, और भी अच्छी अच्छी ट्रेन जर्नी आपको देखने को मिलते रहेगी। तब तक के लिए सलाम नमस्ते।